सलमान की फिल्म देखने वाइफ संग पहुंचे धोनी, बेटे को गोद में लिए दिखे सोहेल खान। सलमान खान की फिल्म रेस 3 ईद पर यानी 15 जून को रिलीज हो रही है। रेस 3 की स्क्रीनिंग मंगलवार को रखी गई। स्क्रीनिंग में फिल्म की स्टारकास्ट के साथ कैप्टन कूल यानी महेंद्र सिंह धोनी वाइफ साक्षी के साथ पहुंचे। वहीं सलमान के छोटे भाई सोहेल खान भी वाइफ सीमा के साथ स्क्रीनिंग में पहुंचे। इस दौरान सोहेल छोटे बेटे को गोद में लिए हुए थे। इनके अलावा बॉबी देओल, जैकलीन फर्नांडिज, देजी शाह, रेमो डिसूजा, शाकिब सलीम, डेविड धवन, हुमा कुरैशी, अनिल कपूर, रमेश तौरानी सहित अन्य सेलेब्स भी नजर आए। आपको बता दें कि फिल्म रेस 3 के डायरेक्टर रेमो डिसूजा है और प्रोड्यूसर रमेश तौरानी है। रेस 3 ने तोड़ा दंगल का रिकॉर्ड। सलमान खान की फिल्म रेस 3 ने रिलीज से पहले ही आमिर खान की फिल्म दंगल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि रेस 3 के सैटेलाइट्स राइट्स 150 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। इस लिहाज से फिल्म ने रिलीज से पहले ही आमिर खान की फिल्म दंगल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दंगल के सैटेलाइट राइट्स 75 करोड़ रुपए में बिके थे। केकी न्यूज़ में अब तक इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।